नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। भारत में कोरोना की स्पीड अब डराने लगी है। हजारों की संख्या में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए भारत के हर राज्य, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर। भारत में कोरोना किलर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। अब तक देश में 13,387 कोरोना केस सामने आए हैं। 437 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,739 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 1,007 केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। कोरोना का असर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और मुंबई इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र के कोरोना मीटर पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 286 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3,205 पहुंच गया है। वहीं मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के ओवरऑल आंकड़े भी डराने वाले हैं। मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है राजधानी दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं टोटल केस की बात करें तो यह आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,640 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली और मुंबई के बाद इंदौर के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। इंदौर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 244 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिंदुस्तान की यह हालत नहीं होती अगर तबलीगी जमात के लोग प्रशासन का सहयोग करते, लेकिन एक जमात ने पूरे देश को क्राइसिस में डाल दिया है। इस बात की तस्दीक ये आंकड़े ही करते हैं। यूपी में 50% से ज्यादा मामले तबलीग से जुड़े हैं। दिल्ली में 68%, तमिलनाडु में 90%, कर्नाटक में 15%, मध्य प्रदेश में 20% और राजस्थान में 30% मामले तबलीग से जुड़े हैं। 13 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 35% कोरोना पीड़ित तबलीगी जमात से जुड़े हैं। सिर्फ जमातें ही नहीं, बल्कि देश भर में कुछ और ऐसे लोग हैं जो इस जंग को कमजोर करने में जुटे हैं। इन तस्वीरों को ही देखिए, कैसे मुंबई का कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो या फिर शिवाजी नगर, भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ये उस शहर की तस्वीरें हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। मुंबई के अलावा कर्नाटक के कलबुर्गी में वार्षिक रथ उत्सव मनाया गया, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लखनऊ और राजस्थान के बारा में भी कुछ लोग अपने शहर को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। फ्री चावल का वितरण हो या अनाज मंडी, हर जगह लोग एक साथ खड़े हैं और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जमाती और कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के अलावा देश के कुछ VIP भी हैं जो लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के रामनगर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने बेटे की VIP शादी करवा दी। ये शादी रामनगर जिले में उनके फार्म हाउस में हुई, लेकिन ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रहा, ना ही कोरोना का कोई डर। हैरानी ये कि राज्य सरकार की ओर से कुमारस्वामी को इस शादी को फिलहाल टालने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन ज्योतिष की मानते हुए उन्होंने बेटे की शादी लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच ही करवा डाली। जाहिर है कोरोना के खिलाफ इस जंग में चंद लोगों की गलती की वजह से 125 करोड़ की जनता अब खतरे में है, और जब तक ऐसी तस्वीरें आनी बंद नहीं होंगी तब तक भारत इस लड़ाई में बैकफुट पर ही रहेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RBI गवर्नर ने कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था की पूरी अपडेट दी और साथ ही बताया कि इस संकट से निकलने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। It has been decided. रिवर्स रेपो रेट को घटाने का फैसला लिया गया है। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट घटाया गया है और अब ये 4% से घटकर 3.75% हो गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट को 25 पॉइंट कम करके 4% से 3.75% कर दिया गया है। From 4% to 3.75%.
यह फैसला लिया गया है कि स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को दिया जाएगा ताकि वो अलग अलग सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा कर पाए। आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए ताकि वो क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को रीफाइनेंस कर सके, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अब कोरोना की एंट्री आतंकियों के अड्डे में भी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को एक आतंकी का चौंकाने वाला ऑडियो टेप मिला है, जिसमें वो अपने साथियों के कोरोना से इन्फेक्टेड होने की बात कर रहा है। सुनिए ये पूरा ऑडियो क्लिप। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब ठीक है? फोन ठीक शाहिद साहब दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना संक्रमित लोगों और इससे मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच लगातार तीसरे दिन अमेरिका में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 2,000 के पार है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या 1,46,000 के पार है। सबसे पहले पूरी दुनिया का कोरोना मीटर देखिए। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 6,77,000 के पार पहुंच गया है, वहीं मौत का आंकड़ा 34,000 के पार है। इटली में 1,68,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं मरने वालों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है। मौत के मामले में स्पेन तीसरे नंबर पर है, यहां 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1,84,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं। फ्रांस में भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंच गया है। सुपर पावर अमेरिका ने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका में हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2,137 लोगों ने दम तोड़ा है। 15 अप्रैल को 2,494 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 14 अप्रैल को 2,303 लोगों की जान गई थी। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कई शहरों को लॉकडाउन से राहत देने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई राज्य बिना ठीक हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि न्यूयॉर्क या न्यूजर्सी जल्दबाजी में सामान्य स्थिति में आए, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जल्द ही होगा, लेकिन सुरक्षित तरीके से होगा। हमारे पास ऐसे भी राज्य हैं जहां बहुत कम केस हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले कम मौतें हुई हैं। मैं साथ ही ये भी साफ कर दूं कि हमारे लिए एक भी मौत बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण ना के बराबर है, तो ऐसे राज्यों में हालात सामान्य के करीब है, लेकिन न्यूयॉर्क या न्यूजर्सी में हालात नरक जैसे हो गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप भले ही कुछ राज्यों को राहत देने की बात कर रहे हो, लेकिन पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडू ने कहा है फिलहाल कनाडा की तरफ से बॉर्डर खोलने का कोई प्लान नहीं है। We are having ongoing discussions on border issues, on supply chains with the United States. अमेरिका के साथ बॉर्डर और सप्लाई चेन को लेकर लगातार बात चल रही है। Integrated, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हम बिना किसी रुकावट के अपने बॉर्डर को सही समय पर सील कर पाए। इस महामारी के बीच हम एक दूसरे की मदद के लिए लगातार तत्पर हैं। हमें लगता है कि बॉर्डर को खोलने में फिलहाल वक्त लगेगा। हमें लगता है कि हमें अपनी जनता को सुरक्षित रखने की जरूरत है। कई देशों ने तो पूरी तरह से ट्रैवल बैन कर दिया है और अमेरिका कनाडा इस मामले में कोई अपवाद नहीं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अभी तक लॉकडाउन ही सबसे कारगर तरीका है और पूरी दुनिया इसी हथियार के जरिए किलर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांगजनों के लिए लेकर आएंगे ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन।